नॉर्मली मार्केट में चार टाइप का कस्टमर होता है, चार टाइप का, ओके और इनके इनको कैसे पहचानना है, इनके साथ कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है और इनके साथ कैसे डील करना है, ये सब आपको मैं इसमें बताता हूँ। और आपको किस तरह का खुशियाँ चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे डील चाहिए, ये सब इसमें देखते हैं। नंबर वन, पहला कस्टमर्स होते हैं चीप कस्टमर। इनको सिर्फ रेट रेट रेट, प्राइस प्राइस प्राइस, चीप क्या है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। ये कौन सा प्राइस में क्या मिलता है उससे कुछ लेना देना है। इनको पहले पहले रेट पूछेंगे, इधर 5 रुपये कम मिलता है, उधर 3 रुपये कम मिलता है, इधर इतना रुपये सेविंग हो गया, और वो जो सेविंग करते हैं उसको फ्रॉड फील करते हैं कि मैंने होलसेल मार्केट में जाके लेके इतना सेव हो गया। लेकिन उतना कितना समय वेस्ट किया, अपना दिमाग ख़राब किए, अपना क्या क्या वेस्ट हुआ वो नहीं देखते हैं, और वो समय पे वो लोग और क्या क्या कर सकते थे वो नहीं समझते हैं, प्राउड फीलिंग करते हैं कि मैं सस्ते में ये लेके आया। वन। नंबर टू कस्टमर, ये इनको कभी वैल्यू समझ में नहीं आता। नंबर टू कस्टमर्स हैं ये डिफ़िकल्ट कस्टमर है, इनसे हमेशा परेशानी होती है, वो दुखी रहते हैं ज़िंदगी में, दूसरे को भी दुखी करते हैं, बहुत ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, लेते हैं लेकिन अपना आपको लगेगा आगे कितना भी पैसा होने तो मैं आगे दोबारा इसके साथ मैं कभी बिजनेस नहीं करूँगा, ऐसा एक आपको फीलिंग छोड़ के जाएंगे लोग, ठीक है। ये दूसरा टाइप्स ऑफ कस्टमर होता है। और आपको जनरली ये अपना जो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, एंटरप्रेन्योर्स, वे लोग बिजनेस लगभग ये दो कस्टमर से ही करते हैं, सोफिस्टिकेटेड तीसरा वाला कस्टमर से नहीं करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना टारगेट वेटेट सब इसी कस्टमर को होता है, इसके लिए ज़िंदगी परेशान हो जाता है, ओके। थर्ड कस्टमर सोफिस्टिकेटेड कस्टमर होते हैं, ये इनको जो चाहिए उनको पता है, ये लग्जरियस वे से जीते हैं, सोचते हैं, ओके और इनको जो चाहिए वो लेना वही मतलब है। इनको मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या रेट में, कलर विलर सब कुछ उनको मालूम है, और ये कभी सुनने में उनको अच्छा भी लगता है, डाउट होगा तो पूछ लेते हैं आपसे और आपको तारीफ भी करेंगे, ये सब होता है थर्ड कस्टमर्स। अगर इनके साथ आप डील करते हो आपकी ज़िंदगी सुखी रहेगा, और इनके साथ कभी सेल्स पुशअप मत करो कि ये आप ले लो, ये ऑफर है, आज नहीं तो आज बंद हो जाएगा, ये सब टेंशन है, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, इनके साथ ऐसा डील करना है, ओके। लास्ट वाला कस्टमर है जो फीलिंग्स कस्टमर है, जो भी खरीदेंगे वो अपना फीलिंग्स के हिसाब से करेंगे, उनको अच्छा लगा लेंगे, अफोर्ड वो खरीद सकते हैं तो खरीद, और इनके साथ जाके कभी प्राइस अफोर्ड डिस्काउंट ये सब बात ही नहीं करने के, इनके पास जाके बात करते तो आप बेवकूफ़ है। सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स फीलिंग कस्टमर के साथ सिर्फ आपको जो जो उनको मिलेगा वो बताना है और जो रेट होगा बताना है, ख़त्म, डील ख़त्म। किसके साथ आपका बिजनेस होने से आप सुखी रहोगे वो आप डिसाइड करो, उस तरह का कस्टमर के साथ डील करो, चीप कस्टमर्स को कभी एंटरटेन मत करो, आपका ज़िंदगी नरक हो जाएगा। हाँ, अलग अलग बिजनेस अलग अलग मॉडल है, वो अलग अलग है, दैट इज़ द सेपरेट पार्ट, ठीक है। और इस रिलेटेड आपका कस्टमर ये जो चीप एंड डिफिकल्ट कस्टमर छोड़ के आपको हमेशा सोफिस्टिकेटेड फीलिंग कस्टमर को अपना प्रोडक्ट कैसे टारगेट करना है, उसको कैसे प्लेसमेंट्स करना है, उसके थ्रू कैसे रिजल्ट्स लाना है, और अपना कम मार्जिन मतलब कम मार्जिन मार्केटिंग बजट और ज़्यादा मार्जिन कस्टमर को कैसे पकड़ना और उनके साथ कैसे डील करना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इन केस अगर आपको इस तरह का कुछ डिटेल चाहिए, कहीं पे भी लिंक होगा उसमें क्लिक करेगा, अपना सर्वे फॉर्म फिल करिए, अगर आप सेलेक्टेड हैं सब पॉसिबल है, मैं आपको कॉल बैक करूंगा और हम लोग इसके आगे बात करेंगे, आपको किस तरह कस्टमर करना है। राइट, थैंक यू।